नमस्कार दोस्तों, मिशन 178 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2018 टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जो ट्राइसम नामक योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि निर्धन जो ग्रामीण युवा होते हैं उनके स्वरोजगार हेतु क्या हुआ था, तकनीकी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम ट्राइसम 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ किया गया था। मतलब राइट आंसर क्या है हमारा, ये सेकंड नंबर का। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, गाँव के 18 से 35 आयु वर्ग के जो युवा थे उनको गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के जो युवा है उनको निजी काम धंधा शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना था। किसके अंतर्गत, ये ट्राइसम योजना के अंतर्गत। अब कुछ योजनाएं हैं जैसे कि हम बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के अंतर्गत, तो आपके सामने स्क्रीन पे दी है बहुत सारी योजनाएं। जैसे कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, 1977 से 1978 के अंतर्गत। अंत्योदय जो योजना है वो 1977 से 78। ट्राइसम हमने देख लिए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है 1980 में स्टार्ट किया गया था। डोकरा जो है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वाली जो योजना है उसके अंतर्गत जो है ये 1982 में शुरू की थी। अन्नपूर्णा योजना 2000 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। जवाहर ग्राम से समृद्धि योजना 1990 में। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है 2000-2001 में। जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002-2003 में। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 और 2006 में। और भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है वो 2006 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश से संबंधित जो अब्दुल समद है उनका संबंध किस खेल से है। तो बात करते हैं इसकी, तो ये हॉकी से संबंधित है। अब इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें इकबाल ऑफ भोपाल के नाम से बोलते हैं। मतलब ये भोपाल के इकबाल के नाम से प्रसिद्ध है। कब से, ये 2005 में जो मूवी आई थी ना, नागेश ककनूर की जो इकबाल नाम की जो मूवी आई थी उसके बाद से इनको क्या बोला जाता है, इकबाल ऑफ भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं कथन की। तो पहला कथन की बात करें तो क्या है, टोटल जो जनसंख्या है भारत की उस जनसंख्या की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश का क्या है, 7वां स्थान है, राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं 2001 से 2011 के दशक के दौरान क्या हुई, मध्य प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी हुई है, 20.3%, ये भी राइट है। उसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है 932, जी हाँ ये गलत है, क्योंकि ये थर्ड वाला क्या है, 932 की जगह हमको क्या होना चाहिए, ये 919 है वर्तमान में। और 2001 की जनगणना के अनुसार यदि बात करें तो 927 था, मतलब ये घटा हुआ है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, तो प्रदेश में 27.6% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, ये भी राइट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ये थर्ड वाला। अब जैसे कि लिंगानुपात की यदि बात करें टोटल भारत की, तो 933 था 2001 में, बढ़कर कितना हो गया, 943 हो गया है। शिशु लिंगानुपात हमने देखे 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको शिशु लिंगानुपात की श्रेणी में मतलब ज्ञात किया जाता है उनका, तो 927 से घटकर क्या हो गया, 919 हो गया है। अब बात करते हैं अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात है 945 है, मतलब टोटल 1000 पुरुषों में से 945 महिलाएं हैं। अब अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटी का लिंगानुपात कितना है, 990 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रोकन हिल निम्नलिखित में से किस धातु के खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो ब्रोकन हिल है दोस्तों ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं ब्रोकन हिल की, तो इसे एक नाम है जिसको हम बोल सकते हैं द सिल्वर सिटी, इसे भी कहा जाता है, मतलब सिल्वर सिटी नाम से इसे पुकारा जा सकता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया के खनन और आर्थिक इतिहास में इस शहर का एक उच्च ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि चांदी अयस्क की खोज से विभिन्न खदानों जो है उसके उद्घाटन के चलते 1990 के दशक में एक समृद्ध खनन शहर के रूप में ब्रोकन हिल की मान्यता की स्थापना हुई है। और 2000 के दशक में धीमा आर्थिक स्थिति का सामना करने के बावजूद ब्रोकन हिल को 2015 में राष्ट्रीय विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया था और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा चलने वाला खनन शहर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं जैसे ओटावा है, ओटावा क्या है, कागज उद्योग है, ये ठीक है। उसके बाद देखते हैं तुरिन, तुरिन मोटर कार नहीं है दोस्तों, ये इटली का एक शहर है, तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं अनसान, ये मुगदेन लोहा इस्पात है, तो ये भी सही है। फिर किरीवाय रॉग रोस्तेगो, ये पोत निर्माण मतलब जहाज निर्माण है, निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये राइट है, मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड नंबर का। तो हमने देखे क्या है, इटली का प्रमुख नगर है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो बात करते हैं कथनों की, जैसे इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, राइट। उसके बाद देखते हैं
यूरोप, ये यूरोप है जो है पूर्व में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर द्वारा एशिया से पृथक होता है, राइट। उसके बाद देखते हैं यूरोप भाग के, यूरोपीय भाग के अंतर्गत नवीन पर्वतों में आल्पस यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस है, ये रॉन्ग है। तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, ये थर्ड नंबर का। उसके बाद देखते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, राइट। तो यूरोप की यदि बात करें तो यूरोप का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्या है, 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पृथ्वी की सतह का 2% और इसकी भूमि क्षेत्रफल का क्षेत्रफल लगभग 6.8% है। और जनसंख्या के हिसाब से यूरोप एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये एवाटा है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है प्रमुख सिटी है, जैसे कि ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है, पांच नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, सात टापुओं का शहर नगर जो है मुंबई को कहा जाता है, बुनकरों का शहर पानीपत को हरियाणा के अंतर्गत है, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु मतलब कर्नाटक के अंतर्गत, डायमंड हार्बर कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में, और इलेक्ट्रॉनिक शहर भी किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया हमको रोग और एक तरफ दिया फसल, तो बात करते हैं रोग की। जैसे ब्लास्ट है, तो ब्लास्ट किससे संबंधित है, चावल से संबंधित, ये राइट है। उसके बाद देखते हैं रतुआ रोग जो है गेहूं से संबंधित है, फिर देखते हैं उकठा जो है मक्का, ये रॉन्ग है, मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड नंबर का। रेड रोट किससे संबंधित है, गन्ना से। अब आप गन्ना अगर देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक खंड में क्या होता है, एक लाल कलर की धारी बन जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेड रोट। तो ये गन्ना से संबंधित है। अब उकठा रोग की यदि बात करें तो उकठा रोग क्या है, पौधों की पत्तियों और मुलायम भाग सूखने लगते हैं और उनमें दृढ़ता नहीं रह जाती, मतलब मजबूती नहीं रहती है, सूख जाती है। यह है रोग अरहर मतलब तुअर, गन्ना, ये उसके बाद देखते हैं चना आदि बहुत से पौधों में ही होता है, इसके बहुत से कारण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पहले कथन की यदि बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार है, ये राइट है। उसके बाद देखते हैं कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या हमारी है 31.1%, ये भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुल जनघनत्व में बोले जनसंख्या घनत्व जो हमारा 382 है। उसके बाद है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर नगर हवेली है, ये इसका रॉन्ग है, क्योंकि क्या है, दादर नगर हवेली के अलावा ये दमन द्वीप है, मतलब जिसकी जो लिंगानुपात है 618, मतलब टोटल जो 1,000 पुरुष है उनमें से 618 महिलाएं हैं, तो दमन द्वीप क्या है, ये राइट है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर का। अब दमन द्वीप की यदि बात करें तो दमन और द्वीप मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रांत है, यहाँ की राजधानी दमन है और केंद्र शासित प्रदेश दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिला के नजदीक स्थित है। पहले यह पुर्तगालियों के कब्जे में था, स्वतंत्रता के बहुत बाद तक यहाँ पुर्तगालियों को कब्जा रहा, और 1961 में क्या हुआ, जब गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कर लिया करके मतलब मुक्त किया गया, तो उसे भारत में मिला लिया गया, उसी समय दमन को भारत में शामिल कर लिया गया, उस समय इसे गोवा में मिला दिया गया था, और 1987 में इसे अलग मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला राज्य, अब यहां देखते हैं हम, जैसे कि एक होता है जनसंख्या और एक होता है प्रतिशत वाइज। तो जैसे कि जनसंख्या की यदि बात करें तो 1,000 जनसंख्या है, और यदि यहाँ क्या है 750 अनुसूचित जाति है, और एक जगह और बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ क्या है 100 अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, और वहाँ कितने हैं ये 75 लोग अनुसूचित जाति के। तो इसकी जनसंख्या वाइस ये अधिक होगा, पर ये प्रतिशतता वाइस अधिक होगा, क्योंकि ये क्या है 75, मतलब ये 100 में से 75% क्या है यहाँ अनुसूचित जाति, और यहाँ कितना है, यहाँ यहाँ भी ये सेम होगा, तो यहाँ हम कम कर देते, जैसे कि यहाँ 650 कर देते, तो 650 होने के बावजूद भी ये क्या है प्रतिशत वाइज कम है, और ये प्रतिशत वाइज कैसा है, तो बिहार या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पंजाब में जो है अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला राज्य सबसे अधिक है, मतलब यहाँ सर्वाधिक है। तो यहाँ जैसे देखते हैं हम पंजाब या और अन्य जो है अनुसूचित जाति के मामले में हमारा जो है पंजाब सबसे अधिक है, तो देखते जैसे यहाँ क्या है सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या वाला जो राज्य है जनसंख्या के हिसाब से यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश है, और यदि प्रतिशतता की बात की जाती है तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, पंजाब, क्योंकि यहाँ देखिए अब 100% में से 31.9% क्या है अनुसूचित जाति के लोग यहाँ रहते हैं,
और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करें तो दिल्ली है, जिसमें 28 पॉइंट जो 12 लाख है इतनी जनसंख्या यहाँ रहती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बोले तो ST जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति मतलब ST की प्रतिशतता वाली जो राज्य है वो मिजोरम है। और सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, और ST जनसंख्या मतलब प्रतिशतता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, जिसमें 94.8% यहाँ अनुसूचित जनजाति बोले तो ST जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये माहे है। माहे किसके अंतर्गत आता है? ये पौंडीचेरी का एक भाग है, मतलब पौंडीचेरी के जो चार जिले से मिलकर बना है पौंडीचेरी, उसमें से माहे भी एक है जो केरल में है। तो ये सबसे अधिक जनसंख्या मतलब लिंगानुपात वाला जिला है। किसके अंतर्गत है ये केरल के अंतर्गत आता है। तो लिंगानुपात की यदि बात करें तो राज्य की बात करते हैं हम, तो केरल सबसे अधिक है, जहाँ 1084 मतलब 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं। और सेकंड नंबर पर कौन आता है? तमिलनाडु आता है, जिसमें 996 है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात क्या है? हरियाणा में है 879, और जम्मू कश्मीर उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करें तो पाण्डिचेरी है, जिसे हम पुदुचेरी बोलते हैं, और 1037 यहाँ का लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दमनदीप है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे 618 वहाँ का लिंगानुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामेट शिखर का संबंध निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये कुमायूं हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं कुमायूं हिमालय की, तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के चार क्षैतिज विभाजनों में से एक है, और सतलुज नदी से काली नदी के बीच ये फैला हुआ 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही हम क्या बोल सकते हैं? कुमायूं हिमालय। और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। कुमायूं हिमालय चारों विभाजनों में सबसे छोटा माना जाता है। यह अपनी झीलों तथा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ जो प्रसिद्ध पर्वत शिखर जैसे नंदा देवी है, कामेट है, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनागिरी तथा गंगोत्री, ये सब यहाँ के पर्वत शिखर है। और कुमायूं हिमालय में देखते हैं हम गंगा नदी, यमुना और रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो बात करते हैं यहाँ कुछ दर्रे दिए हैं, दर्रे मतलब पास बोलते हैं जिनको, तो बड़लाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, ये राइट है। उसके बाद देखते हैं दिफू दर्रा, दिफू दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये रॉन्ग हो गया, मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड नंबर। फिर देखते हैं तुजू दर्रा, ये मणिपुर में है, ये राइट है। उसके बाद देखते हैं यांग्याप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं दिफू दर्रा की, तो दिफू दर्रा कहाँ है हमारा? हमने देख लिया अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वी भाग में स्थित है। यह दर्रा 4587 मीटर मतलब 15,049 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दर्रा इस राज्य को मंडाले मतलब म्यांमार तक का आसान और सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। यह भारत और म्यांमार के बीच में एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। दिफू दर्रा भारत चीन और बर्मा की मतलब म्यांमार की सीमाओं के पास पूर्वी असम के लिए इसका एक रणनीतिक महत्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये चिनाब नदी है, जिसे हम हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? चंद्रभागा। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है बड़लाचा दर्रा, वहां से इसका उद्गम है। और उसके बाद ये कहाँ मिल जाती है, मतलब डायरेक्टली जाके नहीं मिलती, ये सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंतर्गत सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवनाथ एवं हंसदेव निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां है? तो यह है दोस्तों किसकी? ये महानदी की सहायक नदियां है। अब महानदी की यदि बात करें तो महानदी मध्य प्रदेश के मध्य जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सिहवा के पास से निकलती है, और इस नदी को उड़ीसा का सोग भी कहा जाता है। जिसका कारण क्या है? इसकी बाढ़ मतलब यहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आती है, उसके कारण इसे उड़ीसा का सोग कहा जाता है। और उड़ीसा प्राचीन समय में क्या था? बाढ़ और सूखे से ग्रसित रहा है। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। इस नदी के द्वारा 58.48% क्षेत्र का जल ग्रहण यहाँ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ बात करते हैं कुछ नेशनल पार्क या जो अभयारण्य दिए हैं और उनसे संबंधित जो वहाँ जैसे पशु का संरक्षण है या फिर किस चीज का वहाँ संरक्षण किया जाता है उससे संबंधित यहाँ कथन दिए हैं। तो जैसे बात करते हैं पहला कच्छ का रण जो है गुजरात में, वो जंगली गधा के लिए फेमस है, ये राइट है। उसके बाद देखते हैं दचिगम जो है, दचिगम जम्मू कश्मीर में किसके लिए? सफेद भालू के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। वन विहार ये
क्या है, नेशनल पार्क है, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद बाघ के लिए। और नेक्स्ट जो लास्ट है, गिर अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं गुजरात में है, ये बाघ के लिए। अब ये बाघ के लिए फेमस नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। तो ये किसके लिए फेमस है, ये एशियन लॉयन के लिए फेमस है, मतलब एशियन लॉयन मतलब जो बब्बर शेर होते हैं उनके लिए फेमस है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये फोर्थ नंबर का। अब गिर की यदि बात करें, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये गुजरात राज्य में पश्चिम भारत में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित मतलब टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जो एशियाई बब्बर शेर मतलब जो एशियन लॉयन है उनके लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे 1965 में अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और स्थापना के बाद से यहाँ सैकड़ों एशियाई शेरों का यहाँ जन्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आरंभ कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये 2014 में किया गया था। जैसे बात करते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हमारे राधा मोहन सिंह, उन्होंने 28 जुलाई 2014 को स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। और यह मिशन राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर आधारित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी मोरान जो तेल क्षेत्र है वो अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है वो। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये असम में स्थित है। असम की यदि बात करें, तो असम घाटी तेल क्षेत्र है भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन तेल क्षेत्र है। यहाँ सबसे पहले क्या हुआ था, 1837 में सेना के एक अधिकारी थे, उनके द्वारा तेल की खोज की गई थी। यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र की यदि बात करें, तो डिगबोई है, नहर कटिया है, हंगरी मोरान है, सुरमा है, नदी घाटी का नाम आदि यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र है। और डिगबोई तेल क्षेत्र जो है नागा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित, लखीमपुर जिले की टीपम पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और हंगरी मोरान क्या है, ये क्षेत्र नहर कटिया से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और यहाँ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में पीड़ित और साक्षी के अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये 15 का है। अब बात करते हैं धारा 3 की, तो अत्याचार के अपराधों के लिए दंड है, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके प्रति जो अत्याचार किए जाएंगे उनके लिए जो दंड है उनके प्रावधान किसमें है, 3 में। उसके बाद बात करते हैं 17 की, तो जो 17 में क्या है, जांच के लिए मतलब जो कार्रवाई किया जाना, कार्रवाई के लिए एक अधिकारी नियुक्त होगा। तो अधिकारी किस स्तर का होगा, एक तो डीएसपी लेवल का हो सकता है, या फिर उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लेवल का ये नियुक्त किया जा सकता है। फिर धारा 21 की यदि बात करें, तो ये क्या है, जो अधिकार है, अधिकारों का क्या होगा, प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कर्तव्य इसमें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अस्पताल में प्रवेश देने से इनकार करने पर अधिक से अधिक कितने माह की जो सजा है वो दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 6 मंथ की दी जा सकती है। अब इसका जो नाम था पहले क्या था, अस्पृश्यता के, जो अस्पृश्यता को हटाने के लिए क्या उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निरोगता मतलब डिसेबिलिटी को दंडित करने के उद्देश्य से 1955 में किया गया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसे हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी ऑफिशियंस एक्ट 1955 बनाया गया था। और 1 जून 1955 को ये प्रभावी हुआ, मतलब अधिकृत रूप से ये शुरू हो गया था। और अप्रैल 1965 में क्या हुआ, एक गठित समिति गठित की गई थी, जिसे हम बोलते हैं एलाया पेरूमल समिति। अब इसके अनुशंसा पे क्या हुआ, तो 1976 में इस अधिनियम में बहुत संशोधन किए गए, और संशोधन ऐसे किया गया कि इसका नाम ही परिवर्तित कर दिया गया। तो नाम परिवर्तित होकर क्या कर दिया गया, ये हो गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये नाम इसका कर दिया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूले। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद दोस्तों।